आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंत्री की आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज तीसरी बैठक। बैठक में कोरोना के प्रसार को रोकने पर हो रही चर्चा। देश में अभी तक नहीं हुआ है कैविटी ट्रांसमिशन। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, नहीं है घबराने की जरूरत, जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता। देश में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 6,565, 642 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी, 239 लोगों की हुई मौत। केंद्र ने दिया आश्वासन, भारत के पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन वैक्सीन का है पर्याप्त भंडार। भारत ने अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में रखने के बाद ही निर्यात का लिया निर्णय। कहा, घरेलू जरूरतों के लिए N95 मास्क की देश में नहीं है कोई कमी। वित्त मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने में 12 मिलियन टन खाद्यान्न किया जा रहा। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लिया गया यह फैसला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, घर में रहने के प्रतिबंधों में दी गई ढील तो हो सकते हैं घातक परिणाम। कोरोना वायरस से विश्व भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 16 लाख के पार। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, घरों में ही रहें वरना हो सकते हैं घातक परिणाम।